ओके, सो वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो लेक्चर। एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दी सर्वाइवर्स सिप कर्व। ये टॉपिक पॉपुलेशन इकोलॉजी से मैंने लिया है, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय सर्वाइवर सिप कर्व? ओके, तो सर्वाइवर सिप कर्व जो है नाम से ही पता चलता है, सर्वाइवर सिप कर्व मीन्स की कितने इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर एज इंटरवल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सर्वाइवर सिप कर्व। मतलब कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं एक गिवन एज इंटरवल के ऊपर, ठीक है, उसको ग्राफ में प्लॉट किया जाता है वर्सेस टाइम को लेके, ठीक है। तो उससे जो कर्व हमारे पास मिलती है उसको बोला जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो है एक ग्राफ है, ठीक है, एक तरह का ग्राफ है। ये किसके बीच में है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स जो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर एज इंटरवल, एज इंटरवल, ओके, एट अ पर्टिकुलर एज इंटरवल। मतलब ये ग्राफ है किसके बीच में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो सर्वाइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एज इंटरवल के वर्सेस टाइम के बीच में, टाइम के बीच में। तो इस तरह से जब ग्राफ हमारे पास आता है तो उसको बोला जाता है सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो तीन तरह की होती हैं, तीन तरह की कर्व जो है हम यहां पे डिस्कस करेंगे। टाइप वन कर्व, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री कर्व। ये तीन तरह की कर्व जो है वो आती हैं जिनको बोला जाता है सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, एक तरह का ग्राफ है जो कि कितने इंडिविजुअल जो है हमारे सर्वाइव कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर एज इंटरवल वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। तो हम देखते हैं इस तरह से, ये हम ले लेते हैं, इस साइड जो है हमारा टाइम जो है हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, और इस तरफ जो है हम प्लॉट करेंगे कि कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स सर्वाइविंग, सर्वाइविंग, ठीक है, एट एज इंटरवल, ठीक है, किसी भी एज इंटरवल में कितने इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे वर्सेस टाइम को लेके ये ग्राफ जो है वो प्लॉट किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इस साइड अगर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे, और इस तरफ जो है टाइम इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे, और इस तरफ इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे जो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो इसमें तीन तरह की कर्व्स हम बोल रहे हैं आते हैं। टाइप वन कर्व जो है हम डिस्कस करते हैं कि टाइप वन में क्या होगा, टाइप वन कर्व जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है टाइप वन कर्व, टाइप वन कर्व में ये कह रहा है कि इस तरह की कर्व होती है ना जिसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो कम प्रोड्यूस किए जाते हैं, फ्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं। तो क्या होता है जितने कम ऑफस्प्रिंग होंगे उतने ही ध्यान से जो है पेरेंट जो है इंडिविजुअल्स को टेक केयर करेंगे उनके, तो केयरिंग में जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्या होगा उनकी जो मोर्टेलिटी है या जो डेथ रेट है उसके चांस बहुत कम होंगे, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस किए जाते हैं एट अर्ली एजेस, अर्ली एजेस, वो जो है वो फ्यू प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर कुछ ही जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाएं तो उसको जो केयर मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे जो केयरिंग की जाती है तो उसकी जो है वो अच्छे तरीके से केयर की जाती है, तो जिस वजह से वो क्या करते हैं उनके मैक्सिमम चांस होते हैं सर्वाइव करने के। तो यहाँ पे जो सर्वाइव कर जाएंगे वो सारे, ठीक है, तो उनके चांसेस जो है वो सर्वाइव करने के ज्यादा होंगे, और जो मोर्टेलिटी रेट है लो मोर्टेलिटी है यहाँ पे मोर्टेलिटी, ठीक है, तो मोर्टेलिटी मतलब उसकी डेथ रेट, ठीक है, तो जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी, अर्ली एज की हम बात कर ले हैं, ठीक है। तो अर्ली एज में क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुए हैं, तो उसकी वजह से उनकी केयर जो है वो ज्यादा होगी, जिस वजह से उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है, और जो मोर्टेलिटी है और डेथ रेट जो है वो कम है। बट जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे ओल्डर एज में, ठीक है, तो ओल्डर एज की बात करें, अगर ओल्डर एज की बात करें तो जो मोर्टेलिटी है वो हाई है, हाई मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी, ओके, तो उतने ही डेथ चांसेस जो है वो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे उनकी एज जो है वो बढ़ती जाएगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो टाइप वन कर्व में आते हैं, जैसे हम खुद को ले लें तो ह्यूमंस या मैमल्स इसमें आएंगे, ठीक है, ह्यूमंस, तो इससे अब हमें बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा। ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस के केस में ऑफस्प्रिंग या जो
प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। बेबी जो होते हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस किए जाते हैं, अर्ली एज में उनकी बहुत अच्छे से जो है केयर की जाती है, तो उनके सर्वाइवल बहुत ज्यादा होता है अर्ली एजेस। और मिडिल एज की बात करें, पर जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं, मोर्टेलिटी जो है बढ़ती जाती है, डेथ रेट इंक्रीज करता जाता है। तो इसके अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं अर्ली एज की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे अगर ज्यादा है तो वो सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं, बट जो जिस तरह से जो हमारा एज बढ़ता जाएगा, ठीक है, उनकी मोर्टैलिटी रेट भी इंक्रीज करती जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो सर्वाइव कर रहे हैं इंडिविजुअल यहाँ पे, बहुत जो इनकी जो क्वांटिटी है वो कम प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए इनकी जो रेट है ना सर्वाइवल का वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम लेवल पे है, ठीक है, मिडिल एज तक भी वो मतलब मैक्सिमम ही रहेंगे, इस तरह से होती है थोड़ी सी यहाँ पे फ्लैट। फिर जो विद एज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो गिरता जाएगा ग्राफ, तो मतलब डेथ रेट भी उसी तरह से इंक्रीज करती जाएगी। तो इस तरह का अगर कोई कर्व हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह का अगर कोई कर्व मिलता है तो उसको बोलते हैं टाइप वन कर्व, टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व। और इसमें ह्यूमंस जो है वो लाए करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर ये कर्व जो है वो फिट बैठती है। तो ह्यूमन का हम एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखेंगे। तो क्या होता है कि CSIR में ये देखा गया है, जब भी सर्वाइवरशिप कर्व से क्वेश्चन बनता है, टू द पॉइंट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछ लिया जाता है कि जो टाइप वन कर्व है ना हमारे पास, मान लो ग्राफ दे दिया, तो यहाँ पे हमें ग्राफ में कंफ्यूजन कर दिया जाता है क्रिएट, कि टाइप वन में कौन से लाए करेंगे, जैसे वहां पे ह्यूमंस दे दिए या बर्ड्स दे दिए, तो हम यही देख रहे हैं, ठीक है, टाइप वन जो कर्व होगी सर्वाइवरशिप कर्व, जिसके जो मोर्टेलिटी रेट है वो लो है अर्ली एजेस में, इसीलिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, बट विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम वो गिरता जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से जब कर्व मिलते तो उसको टाइप वन कर्व बोलते हैं, और वो किसके अंडर आते हैं, ह्यूमंस हैं जैसे, तो वो किसके अंडर आएंगे, टाइप वन कर्व के। अब हम टाइप टू और टाइप थ्री जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइप वन और टाइप टू और थ्री अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम टाइप थ्री डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों, हम टाइप टू भी डिस्कस कर सकते हैं, बट टाइप वन और टाइप थ्री ये जो है ना एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें मेमोराइज करने में इजी रहेगा, ठीक है, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि यही कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि टाइप वन में कौन से आएंगे, टाइप टू और टाइप थ्री में कौन से ऑर्गेनिज्म लाए करेंगे। तो टाइप वन हमें समझ आ गया, ठीक है। अब टाइप थ्री जो है ना इसका बिल्कुल अपोजिट है, टाइप थ्री क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है, ओके। तो इसमें जो है टाइप थ्री की हम बात कर लेते हैं, टाइप थ्री जो सर्वाइवरशिप कर्व है ना, इसमें आते हैं जैसे कुछ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जो हमारे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो इस कर्व में कौन से जो ऑर्गेनिज्म लाए करेंगे, जैसे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स या जैसे ट्री का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस सर्वाइवरशिप कर्व में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होंगे ना, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो लार्ज अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज अर्ली एज की हम बात कर रहे हैं, तो अर्ली एज में क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो है वो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, लार्ज अमाउंट में जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसको जो केयर मिलेगी वो कम मिलेगी, तो यहाँ पे लेस केयर होगी उनकी, तो जिस वजह से क्या होगा ना, जितने ऑफस्प्रिंग हैं इनकी जो सर्वाइव करने की जो रेट है वो कम होगा, कि कोई जो है मान लो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, उनमें से कुछ ही जो है एक आध जो है वो सर्वाइव करेंगे, जैसे तो लेस केयर यहाँ पे जो है वो होगी पेरेंट के लिए, पेरेंट्स जो है वो लेस केयर कर पाएंगे अपने ऑफस्प्रिंग की, तो इसी वजह से क्या होगा कि कुछ एक आध ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेंगे, लेस विल सर्वाइव, ठीक है, लेस इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे अपनी मिडिल एज तक, ठीक है, अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट जो है अगर देखें तो अर्ली एज में ज्यादा है, तो अर्ली एज में क्या है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी रेट है, मैक्सिमम अर्ली एज में, ठीक है। तो इसी तरह से ग्राफ को देख लेते हैं, अर्ली एज में क्या है, एकदम से डाउनफॉल हुआ यहाँ पे, ये देखो नंबर का, और फिर ये स्टेबल हो गया थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसा अगर हम एग्जाम्पल लें तो मतलब मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है वो अर्ली एज में सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम टर्टल की बात करें, टर्टल जो सी टर्टल है, ठीक है, सी टर्टल है,
इनमें क्या होता है कि जो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, तो अर्ली एजेस में क्या है, उनको अच्छे से जो है वो गुड केयर नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से मान लो यहाँ पे कि कुछ 50 या 30 टर्टल जो है वो ऑफस्प्रिंग हमें मिले, उनमें से हो सकता है 5 ही सरवाइव कर जाएं, तो इसकी मोर्टेलिटी अर्ली एजेस में बहुत ज्यादा रेट है डेथ करने की, ठीक है। बट जैसे जैसे ये सरवाइव कर गए, ठीक है, मिडिल एज तक पहुंच गए, तो वो एक स्टेबल हो जाते हैं, फिर वो एक लंबे लाइफ स्पेन के लिए जो है वो सरवाइव कर जाएंगे, तो उसको बोला जाता है टाइप 3 कर्व। तो ये किस तरह की कर्व है, टाइप 3। तो ये इसमें हमें कर्व में देखने को भी मिल रहा है, एकदम से ग्राफ गिरा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है अर्ली एज में डेथ कर जाते हैं, बट जो सरवाइव कर गए वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सरवाइव कर जाएंगे। फिर आती है हमारी टाइप 2, ये वाली जो है हमारी स्ट्रेट लाइन जो है ये आती है टाइप 2, ठीक है। तो इसमें एक तो टर्टल बहुत अच्छा एग्जांपल है, और एक एग्जांपल और बहुत अच्छा है, जैसे हम ट्री को ले लें, ट्री को ले लें, तो मान लो हमने सीड्स जो है ग्राउंड में बो कर दिए, ठीक है। सो तो क्या होता है कि जैसे हमने बीज बीज जो है उनमें से प्लांट निकलेंगे छोटे छोटे, तो वो जो जनरेट हो रहे हैं सीड से जो प्लांट्स निकल रहे हैं, मान लो हमने 10 सीड ले लिए, ठीक है, तो उनमें से 10 के 10 निकल गए, पर जो अर्ली एज में जो है वो डेथ कर जाते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि जो 10 प्लांट निकले वो सारे ही सरवाइव करके एक हमें ट्री दे देंगे, ऐसा नहीं है, 10 में से हो सकता है एक या दो जो है वो सरवाइव करें, तो वो किस कर्व में फॉल करेंगे, टाइप 3 सर्वाइवशिप कर्व, क्योंकि इसमें अर्ली एजेस में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है, और जो सर्वाइव कर गए वो फिर लाइफ लॉन्ग जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये इस तरह से टाइप 3 कर्व में आते हैं। तो टाइप 1 टाइप 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट कर्व है, ठीक है, जबकि टाइप 2 जो है इनमें यूनिक कर्व है एक, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे, टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप टू कर्व, ठीक है, टाइप टू कर्व में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, इसमें बर्ड्स आते हैं, ठीक है, बर्ड्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो टाइप टू में कौन से फॉल करेंगे, जैसे बर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो मोर्टेलिटी रेट रहती है, मोर्टेलिटी जो होती है, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट है। तो अगर हम ग्राफ में भी देखें तो ये कांस्टेंट है मोर्टेलिटी, की नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है कांस्टेंट तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये देखा गया है कि जो मोर्टेलिटी है, ये डेथ रेट है ना, वो इक्वली पॉसिबल है, वो शुरू में भी हो सकती है, वो मिडिल एज में भी हो सकती है, वो उनकी ओल्डर एज में भी उतनी ही पाई जा सकती है। तो ये कांस्टेंट वे में चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्ली एजेस में ज्यादा है या बाद में कम होगी, ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट तरीका है, मतलब मोर्टेलिटी कभी भी डेथ कर सकते हैं, वो अर्ली एज में भी कर सकते हैं, इसीलिए स्ट्रेट लाइन से जो है हम कर्व जो है ये शो करते हैं। तो इसमें आते हैं बर्ड्स हैं जैसे, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, बर्ड्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हमने तीनों कर्व जो है वो डिस्कस कर ली, टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। कुछ नहीं है, जब भी क्वेश्चन पुट किया जाता है क्वेश्चन में इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि जो हमारे ऐसे दे दिया जाएगा एग्जांपल कि जो ह्यूमंस हैं वो किस कर्व में लाई करेंगे, तो उसी में हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इधर दे विल फॉल इन टाइप 1 और टाइप 3 किस में। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे कि टाइप 2 तो बिल्कुल यूनिक कर्व है, वहां पे इक्वल पॉसिबिलिटी है डेथ रेट करने की, बट जो टाइप 1 है उसमें ह्यूमंस आएंगे और टाइप 3 में जो है मरीन या ट्री जैसे आ जाए। तो टाइप 1 और टाइप 3 देखना है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो टाइप 1 में जो है अर्ली एज में डेथ करने के चांसेस बहुत कम हैं, जबकि टाइप 3 में वो डेथ करने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो ये हमें याद रखना है कि किस कर्म में अर्ली एज में ज्यादा डेथ होती है, किस में कम होती है। तो ह्यूमन विल फॉल अंडर द टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, और जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं या जैसे प्लांट्स या ट्री की एग्जांपल, वो किस में फॉल करेंगे, टाइप 3। बस यहीं से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड फॉर मोर सच वीडियोज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।